हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर शब्द और वाक्य, यानी कि वर्ड और सेंटेंस। उससे पहले हमें कुछ एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पर बच्चों, मान लीजिए कि पिंजरे में कोई पक्षी बंद है, उसके और आपके बीच मूक संकेतों में यानी कि मौन भाषा में कुछ बातचीत हुई। तो अपने फ्रेंड को बताने के लिए पक्षी के जो मूक भाव है, यानी उसके जो साइलेंस में जो उसने बातचीत करी, उसके जो फीलिंग्स हैं, उनको आपको कुछ शब्दों में और वाक्यों में यहाँ पर लिखना है। तो अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शिवम है, खिलौना है, दीदी है। तो शिवम कह रहा है, शिवम यह मेरा खिलौना है। तो उसकी दीदी शिवम को बोल रही है कि ये मेरा खिलौना है। तो वो शिवम कह रहा है, यह लो दीदी। तो इस चित्र में बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हैं जो हमने अभी पढ़े। तो इसमें शिवम, खिलौना, दीदी, इन ध्वनियों को पढ़कर समझिए। जैसे शिवम है तो इसमें कौन कौन से ध्वनि है? श प्लस छोटा ई, व प्लस अ, म प्लस आ। इसी तरह से खिलौना में ख प्लस छोटी, ल प्लस औ, न प्लस आ। इसी तरह दीदी में द प्लस बड़ी ई, द प्लस बड़ी ई। इस तरह से इन ध्वनियों को हम अलग अलग करते हैं। तो ये ध्वनियां या वर्ण आपस में मिल करके एक शब्द बना देते हैं, जैसे शिवम, खिलौना, दीदी। तो ये सभी क्या है? शब्द है। अब शब्द क्या होते हैं? ध्वनियों या वर्णों के मिलने से बनते हैं, लेकिन केवल वर्णों को मिलाने से ही शब्द नहीं बनता। जैसे की लड़ की लड़, ऐसे कोई वर्ण नहीं, वर्ण शब्द नहीं है। या न ही र, ये भी कोई शब्द नहीं है। तो क्योंकि क्यों शब्द नहीं है? क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। और यदि हम इन्हीं वर्णों को सार्थक मेल करें, यानी वर्णों को सही क्रम में लिखें, तब ये शब्द कहलाएंगे। जैसे कि ल की लड़की, हिरना हिरन। अब ये शब्द हो गए, क्योंकि लड़की कहने से एक व्यक्ति का पता चलता है और हिरन कहने से एक जानवर का पता चलता है। तो ये हम शब्द कहेंगे। इसी तरह से अब आप बताइए, जा र औ, इनका सार्थक शब्द क्या बनेगा? औजा। तो बच्चों, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब हम पढ़ते हैं वाक्य। रहा है खा गन्ना हाथी। तो बच्चों, ये सही वाक्य नहीं है। शब्दों का जो ग्रुप होता है उसको यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें शब्दों का सही मेल नहीं कराया गया, शब्दों को सही क्रम में नहीं लिखा गया, इसलिए ये वाक्य नहीं है। सही वाक्य क्या बनेगा? हाथी गन्ना खा रहा है। इस तरह से शब्दों का ऐसा ग्रुप जिसमें कि उसका कुछ सही मीनिंग हो, अर्थ हो, उसको हम वाक्य कहते हैं। इसी तरह से हम अपनी भाषा में तरह तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए कुछ और वाक्य पढ़ते हैं। दीपांशु और जीत सो गए, जोकर ने सबको खूब हंसाया, मछली तैर रही है, पिताजी नए खिलौने लाएंगे। तो बच्चों, हमने क्या क्या सीखा? कि वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। थैंक यू।